रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक्स के अंदर हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, दो टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, एक टेलीस्कोप है और एक माइक्रोस्कोप है बस, ठीक है। और रे ऑप्टिक्स में हम जो स्टडी करते हैं उसमें एक पावर स्टडी करते हैं जिसका नाम है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाई करने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटे से बड़ा करके देखना, वो मैग्नीफाइंग पावर है। पर ये कौन सी पावर है, ये रिजॉल्विंग पावर है। दोनों में फर्क है, रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर जैसे कैमरा है, कैमरा क्या करेगा, या कोई भी एक लेंस है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज अगर 10 सेंटीमीटर है उसको 5x कर देगा। 5x का मतलब 5 गुना बड़ा कर देगा, तो मैग्नीफाई कर रहा है, राइट। पर रिजॉल्विंग पावर ऐसी नहीं होती। मैग्नीफाइंग पावर रे ऑप्टिक्स का फिनोमेना है, रिजॉल्विंग पावर वेव ऑप्टिक्स का फिनोमेना है। डिफ्रैक्शन के अंदर से आता है रिजल्ट। अब ये क्या चीज है, डिफ्रैक्शन बीच में कैसे आ गई और क्या है रिजॉल्विंग पावर, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। अगर मैं ये बोलूं आपको कि ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, वो एंड वाला स्टूडेंट पढ़ के दिखाए कि क्या लिखा हुआ है, वो पढ़ नहीं पाएगा, अक्षर दिख नहीं रहे, चलो मत पढ़ो, एटलीस्ट ये बता दो कि आपको दो अक्षरों में स्पेस नजर आ रही है। आपको कि नहीं कुछ काला काला सा नजर तो आ रहा है, अच्छा चलो नजर आ रही है, मैं अखबार ले आता हूँ, न्यूज़पेपर ले आता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ देना, न्यूज़पेपर तो बहुत छोटे होते हैं। आपको ये तो नजर आ रहा है कि कुछ ब्लैक 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 लाइन चल रही है, पर ये नहीं नजर आ रहा कि बीच में दो अक्षर है कि एक अक्षर है। अगर बहुत दूर और दूर चले जाओ तो आपको ये तो पता है कि कुछ लिखा हुआ था, है ना, आपको ये पता है कि कुछ टाइट टाइट लिखा हुआ था, लेकिन किस अक्षर के बीच में कितनी स्पेस थी वो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो वर्ड्स निकले दो पर आपको लग रहा वो एक एक ही वर्ड है, ये भी हो सकता है। अगर मैं दो वर्ड लिखूं, एक कैट और एक बैट इकट्ठा, हल्की सी स्पेस है, पास वाला स्टूडेंट तो देख पा रहा है कि दो अलग अलग हैं, लेकिन बहुत दूर वाला स्टूडेंट को लग रहा है कि वो एक ही अक्षर है। तो जो बहुत दूर जो एक ही वर्ड देख रहा है हम बोलेंगे उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, लेकिन जो रिजॉल्व कर पा रहा है और दो को दो देख रहा है एक नहीं देख रहा, तो यानी कि जो वो रिजॉल्व कर पा रहा है। तो रिजॉल्विंग पावर किसी इंस्ट्रूमेंट की क्या है, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके दिखाएगा, बड़ा करके नहीं दिखाएगा, अलग अलग दिखाएगा। जैसे सपोज करो कुछ पार्टिकल बहुत छोटे हैं और आप आंख से इसको देख भी नहीं पा रहे, इतने छोटे हैं और आप बहुत पास पास हैं, आपको लग रहा है कि वो एक जैसे ही हैं यार, कोई भीड़ सी इकट्ठी हो रखी है। माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसमें बहुत बड़ा डिस्टेंस नजर आ रहा है आपको, तो माइक्रोस्कोप क्या करेगा, उन दो ऑब्जेक्ट को बहुत दूर दूर करके दिखाएगा। हम बोलेंगे कि माइक्रोस्कोप ने दो ऑब्जेक्ट्स को क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, अलग अलग करके दिखा दिया, बड़ा करके नहीं दिखाया। बड़ा करके तो आप घूम ही जाओगे, बड़ा बड़ा दिखेगा, आपको दिखेगा ही नहीं कि दो हैं कि एक है, अलग अलग करके दिखा रहा है, वो अलग चीज़ है। जैसे स्टार्स हैं, बहुत दूर से लाइट आ रही थी और हमें लगा एक स्टार है, बड़ा स्टार है और लाइट आ रही है। जब किसी ने टेलीस्कोप में देखा तो ऐसा लगा कि एक स्टार आगे है और दूसरा स्टार से कई लाख किलोमीटर पीछे है, पर हमें लग रहा था एक के पीछे एक है और हमें लगा कि वो एक ही ऑब्जेक्ट है, लेकिन जबकि वो दो थे। तो ये टेलीस्कोप करके दिखा सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, टेलीस्कोप ने दो ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग करके दिखा दिया, सेपरेट करके दिखा दिया, और जितना वो दूर सेपरेट करके दिखाएगा उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा मानी जाएगी। ये रिजॉल्विंग पावर है। तो रिजॉल्विंग पावर क्या चीज है, पावर टू डिफरेंशिएट टू ऑब्जेक्ट्स। तो पॉइंट क्लियर है, मैग्नीफाइंग से इसका कोई लेन देना नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, मैंने इसको समझाने के लिए ऐसा किया, जैसे मान लो ये आई की ओपनिंग है, आंख की ओपनिंग है, हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं, ऑब्जेक्ट पड़े हमें लाइट जलानी पड़ती है, अंधेरे में दिखेगा नहीं, तो लाइट पहले ऑब्जेक्ट पे गिरती है, उन ऑब्जेक्ट से सारी जो रेज हैं या लाइट है मेरी आंख में आती है, ऐसे देखते हो आप ऑब्जेक्ट को। तो मान लो ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, दो तीन ऑब्जेक्ट से, एक ये रहा, छोटे छोटे अक्षर वर्ड लिखे हुए हैं, किसी ने अक्षर लिखे हुए हैं। अब हुआ क्या, ये ओपनिंग आई की, यहां से लाइट आई, मेरी आंख के कॉर्नर से लाइट बेंड हो गई, बेंडिंग ऑफ लाइट तो होगी, बेंड हो गई, क्या हुआ, स्प्रेड बना गई, देखा स्प्रेड बन गया, स्प्रेड फैल गई, बेंड हो गई, नी हर आंख के कोने से ऐसा हो रहा है। अब जब ये बहुत पास थे तो ये स्प्रेड और स्प्रेड आपस में ओवरलैप ही हो गया। अब मैं दोनों स्प्रेड में आपको लाइट ही लाइट दिख रही है, आपके आपको दिखना ऐसा चाहिए था जैसे ये है, तो इसके अंदर आपको ये दिख रहा है कि दो अलग अलग चीजें हैं, इसका स्प्रेड अलग, इसका स्प्रेड अलग, इसका मतलब दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं,
पर आपको ओवरलैपिंग स्प्रेड दिख रहा है, इसका मतलब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि किसका स्प्रेड ऊपर है किसका नीचे है, आप इसको रिजोल्व नहीं कर पा रहे, तो आपको स्पेस दिखेगी नहीं, आपको अक्षर ओवरलैपिंग नजर आएंगे, इकट्ठे नजर आएंगे, लग रहे हैं कि चिपके हुए हैं, हमारी आंख के ऊपर रेटिना ये इसके ऊपर गिरती है लाइट, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। लेकिन इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, इसका अलग डायग्राम, इसका अलग डायग्राम है, ये ऑब्जेक्ट के बीच में स्पेसिंग बहुत बड़ी कर दी, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा कर दिया, तो एक कोना ये स्प्रेड बना रहा है, एक ये बना रहा है, आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, बीच में स्पेसिंग है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि रिजोल्व कैसे किया जा रहा है। तो हमारी आईज जो है कैसे रिजोल्व कर पाती हैं, कैसे नहीं कर पाती है, वो डिपेंड करता है कि कितनी बेंडिंग हो रही है, और सारा खेल किसका है, डिफ्रैक्शन का। तो यानी कि रिजोल्विंग पावर कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करती है, डिफ्रैक्शन पे, लाइट का स्प्रेड होना। ठीक हो गया यहां तक। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, आंख के कॉर्नर से स्प्रेड हो गया लाइट, ऐसे हो गई, इसकी भी ऐसे हो गई। आप बताओ कि यहां पे लाइट किसकी ज्यादा है, ऊपर वाले की कि नीचे वाले की, पता ही नहीं, तो ओवरलैपिंग नहीं हो गया, तो आप अलग देख ही नहीं पा रहे दो ऑब्जेक्ट्स को। अलग अलग कब दिखेगा, जब आपको एक ही फोटो अलग, एक ही फोटो अलग दिखेगी, इसका स्प्रेड अलग, इसका अलग, जब स्प्रेड ही मिक्स कर दिया आपने, लाइट ही दोनों की मिक्स कर दी, ऑब्जेक्ट की इमेज ही मिक्स हो रही है, तो कैसे नजर आएगा आप, देख आप अलग अलग नहीं देख पाओगे, दिखेगा आपको पर स्पेसिंग दिखेगा, आपको लगेगा दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही है, एक ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ तक आइडिया है, ये कोई पूछ तो ना रहा है, ये तो जो समझाने का तरीका है, ऐसे कोई पूछता थोड़ी ना क्या है, तो जैसे एक तरीका बताया कि ऐसा कुछ होता है। असली चीज क्या है इसमें, ये तो आना ही आना है क्वेश्चन, राइट रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, एनसीईआरटी में आना है, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसे, रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, फॉर्मूला आना है इसका, प्रूफ नहीं आता, प्रूफ है ही नहीं, प्रूफ है मतलब हमारे उसमें नहीं है, स्कोप में नहीं है, पर लेकिन फॉर्मूला आता है। तो रिजोल्विंग पावर, पहले टेलीस्कोप की डिस्कस करते हैं। टेलीस्कोप का मान लो ये लेंस है और रेज आ रही है इनफाइनाइट से, लेंस का जो डायमीटर है वो ए है, डायमीटर को आपकी बुक्स में कई लोग क्या लिखते हैं, अपर्चर, जहां से ओपनिंग, या डायमीटर एक ही बात है, क्लियर हो गया। और लाइट यहाँ पर इकट्ठी होती है, जब लाइट यहाँ पर इकट्ठी होती है तो ये एंगल है डेल्टा थीटा, बहुत छोटा है, इस डेल्टा थीटा का नाम है मिनिमम एंगल ऑफ सेपरेशन, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ तो दूरी होगी ताकि वो आपको अलग अलग दिखें, तो दो ऑब्जेक्ट्स में मिनिमम एंगल ऑफ सेपरेशन डेल्टा थीटा है। जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे माइक्रोस्कोप में सेम चीज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में थीटा नहीं लेते, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डी मिनिमम लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, डी मिनिमम का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस रेजोल्यूशन, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब कि अगर आपने डिस्टेंस इससे कम ले लिया ना दो ऑब्जेक्ट्स का, तो आपकी आंख इसको डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाएंगी कि वो दो हैं या वो एक है, आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स का कम से कम डी मिनिमम से तो बड़ा होना चाहिए, तो ये कम से कम डिस्टेंस है जितना होना ही चाहिए। तो समझ में आ रहा है डी मिनिमम क्या चीज है, कि कम से कम वो छोटा डिस्टेंस जिससे कि ऑब्जेक्ट्स आपको दो नजर आए, क्योंकि अगर आप इसको रिजोल्व भी करोगे इससे कम डिस्टेंस पे तो रिजोल्व ही नहीं होना, तो कम से कम इतना डिस्टेंस तो होना चाहिए, नहीं तो माइक्रोस्कोप भी फेल हो जाएगा, आप चिपका ही दोगे अगर तो माइक्रोस्कोप भी क्या करेगा, उसमें ना बराबर डिस्टेंस रखोगे तो वो भी क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, या एक हाई माइक्रोस्कोप चाहिए आपको जिसकी पावर बहुत ज्यादा है, तो वो भी ऑब्वियसली कुछ डिस्टेंस को रिजोल्व कर पाएगा, अगर आप और चिपका दोगे तो और नहीं कर पाएगा, तो हर की कोई लिमिट है, और वो किस पे डिपेंड करती है, डी मिनिमम पे डिपेंड करती है। ऐसे टेलीस्कोप किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा थीटा पे डिपेंड करता है। सोचो रेज आ रही है इन्फिनिटी पे, डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा कब बनेगा, जबकि वो बाहर जाके इमेज बनेगी वहां पर इसकी इकट्ठी बहुत दूर, तो क्या डिफ्रेंशिएट करो, तब तक इंटेंसिटी ऑफ लाइट ही खत्म हो जाएगी वहां पर पहुंचते पहुंचते, डिफ्रेंशिएट कहां से करोगे, तो आपको कुछ तो डिस्टेंस चाहिए, कुछ तो एंगल बनाना पड़ेगा जहां पर कम से कम कुछ तो लाइट इकट्ठी हो, तो वो डेल्टा थीटा है मिनिमम एंगल ऑफ सेपरेशन, और इसका फॉर्मूला सीधा ये याद करेंगे 1.22 लैम्डा बाय ए, तो मार्क कर लो इसका फॉर्मूला कि टेलीस्कोप में मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, सेपरेशन क्या होता है, 1.22 लैम्डा बाय ए होता है, पॉइंट नंबर वन। और ये ऑब्जर्व किया गया और मैथमेटिकल है, तो टेलीस्कोप की जो रिजोल्विंग पावर होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा होती है, डेल्टा थीटा जितना कम होगा उतना ही वो बढ़िया टेलीस्कोप है, मतलब डेल्टा थीटा कम होने का मतलब वो छोटी से छोटी वैल्यू को भी रिजोल्व करके दिखाता है, तो डेल्टा थीटा वो जितना कम है उसके लिए रिजोल्विंग पावर उतनी हाई है, तो आप डेल्टा थीटा को यहां से यहां पुट करो, फॉर्मूला मार्क करो a अपॉन 1.22 लैम्डा, तो रिजोल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप क्या होती है, a अपॉन 1.22 लैम्डा। हां, मैंने एनसीईआरटी में देखा कि कहां से आया रिजल्ट, तो एनसीईआरटी वाले हल्का सा एक ब्रीफ लिखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है कि डिफ्रैक्शन होती है इसमें, और डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, ए साइन थीटा एन लैम्डा, मिनिमा का केस, तो ए साइन थीटा एन लैम्डा
पहले मिनिमम के लिए 1 और साइन थीटा की जगह डेल्टा थीटा, और 1 को अप्रॉक्सीमेटली 1.22 लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं वो हमने नहीं करना, और यहाँ से रिजल्ट आता है डिफ्रैक्शन के रिजल्ट लगा के रिजल्ट बना, और हमने डायरेक्टली डेल्टा थीटा याद कर लिया, बस हमने डायरेक्टली यहाँ से डेल्टा थीटा याद कर लिया और डेल्टा थीटा का रेसिप्रोकल लेके आंसर आ गया। आपको क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी में, आपके पास एक टेलीस्कोप है, आपने उस टेलीस्कोप को वाटर में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो बोलो उसकी रिजॉल्विंग पावर का क्या होगा। जब आप मीडियम चेंज करते हो तो आपका लैम्डा जो होता है वो क्या होता है, लैम्डा बाय म्यू हो जाता है, तो रिजॉल्विंग पावर में भी लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा, म्यू ऊपर आ गया तो रिजॉल्विंग पावर बिकम म्यू टाइम्स। समझ में आ रहा है कैसे आंसर क्वेश्चन आएगा, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने को आएगा, प्रूफ नहीं आएगा, फॉर्मूला आएगा या ऐसा कुछ घुमा के आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही माइक्रोस्कोप के अंदर बल्ब लगा होता है, रेज आती हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है और ये आधा एंगल थीटा है, तो इसके अंदर डी मिनिमम का फॉर्मूला याद करेंगे 1.22 लैम्डा बाय 2 म्यू साइन थीटा, और थीटा इसमें एंगल ये वाला है, तो ये इसका मिनिमम डिस्टेंस है, और रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि जितना डी मिनिमम छोटा होगा उतनी, और माइक्रोस्कोप उसको अलग करके दिखा रहा है, उतना ही बढ़िया माइक्रोस्कोप है। तो डी मिनिमम का मतलब क्या है, वो कम से कम डिस्टेंस उसके लिए कि भाई जिसको वो दो करके दिखा सकता है, बहुत छोटे डिस्टेंस को अगर वो दो करके दिखा रहा है, दो ऑब्जेक्ट को दो करके दिखा रहा है, तो रिजॉल्विंग पावर उसकी बहुत बढ़िया है इसका मतलब। तो डी मिनिमम को यहाँ पुट करके आंसर आ गया, तो प्लीज रिजॉल्विंग पावर का माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला प्लीज मार्क करो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट जो पॉइंट है, माइक्रोस्कोप के अंदर म्यू साइन थीटा को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल अपर्चर, याद रखना। टेलीस्कोप में ए को बोलते थे अपर्चर, और माइक्रोस्कोप में ए साइन थीटा को बोलते हैं, लिखा हुआ है मैंने देखो, तो इसमें ए को बोलते हैं अपर्चर टेलीस्कोप में, और ए साइन थीटा को माइक्रोस्कोप में क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल अपर्चर, म्यू साइन थीटा को। क्लियर है यहां तक? इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज ही हैं।